नमस्कार। मूंगफली के दानों की लइया या पट्टी या चिक्की बनाने का दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। यह पहले तरीके जैसा ही है, थोड़ा चाशनी बनाने में अंतर है। यह मूंगफली के दाने और गुड़ बराबर मात्रा में लेंगे। मूंगफली के दाने गर्म रहने चाहिए, जिससे चिक्की जमाते समय आसानी रहे। और अब इसमें कढ़ाई गरम करके और आधा चम्मच घी फैलाएंगे, जिससे गुड़ कढ़ाई में चिपके नहीं। इसमें पानी न डालकर गुड़ ऐसे ही कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। फिर गुड़ झारे से चलाएंगे। धीरे धीरे गुड़ गर्म होकर पिघलने लगेगा और जब यह इस तरह पिघल जाए तो इसमें मूंगफली डालकर चलाएंगे। अभी ये कम पिघला है, इसको चलाते रहें, ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा और इसे ये इस तरह से पिघल गया है, थोड़ा इसको और पिघलाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए, ये इसको झारे में लग गया तो इसको अलग कर दें थोड़ा चम्मच से या कढ़ाई से। अब ये काफ़ी पिघल गया ये। अब इसमें हम मूंगफली डालेंगे और फिर इसे चलाएंगे। और इसे जल्दी जल्दी चलाना है। मूंगफली और गुड़ मिल गया, यानी एक साथ हो गए हैं। अब इसे हम घी लगी प्लेट में जल्दी से डालकर फैलाएंगे। कढ़ाई झारे में लगी हुई मूंगफली भी निकाल के इसमें डाल देंगे। और कटोरी या पलटे की तली में घी लगाकर पट्टी की ऊपरी तह को चिकना करेंगे। इस तरह से ये ऊपरी तह चिकनी हो गई है और इसके साथ ही पट्टी जम भी गई है या तुरंत जम जाती है। धन्यवाद।